राजस्थान। अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है। आप आयो, बहुत खुशी होई गई। टीम का निर्णय काम मुस्तैदी से और बेहतरीन तरीके से हो। आगे रास्ता लंबा है, पर टीम में गजब का जोश है। आज बढ़िया लगा, आप घर पाया तो अच्छा लगा मुझे। मिशन 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाए। इनके दिन की शुरुआत SDM यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सुबह सुबह हो जाती है। मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर जारी किए जाते हैं। बैलेट बॉक्स चेक करके उन्हें बंद, लॉक और सील किया जाता है। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ तैयार ताकि मतदान गुप्त रहे। कैमरे में इनके हर कदम को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ घंटे बाद टीम गांव की सड़कों पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। पहला मतदाता बुजुर्ग है और दुर्बल है। इनका बेटा इनका प्रतिनिधि है। अधिकारी इनके दस्तावेजों की जांच करते हैं। हमेशा की तरह मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना परम आवश्यक है। एक रजिस्टर में एंट्री की जाती है और फिर सारे फॉर्म भरे जाते हैं। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ को मतदाता के सामने रख दिया जाता है। टीम मतदाता को बैलेट पेपर के बारे में बताती है। सारे वोटर लिस्ट, सबके नाम है, चुनाव चिन्ह जो नाम है, आगे जिसको भी आपको वोट डलवाना है बाबा से, उसके आगे राइट का निशान लगेगा। जैसे ही मतदाता मतदान के लिए तैयार हो, उसके सामने एक स्टैम्प पैड रखा जाता है। अब वो अपना अंगूठा लगाकर अपना मतदान करेंगे। अब बैलेट को एक छोटे लिफाफे में रखा जाता है और मतदाता उसे सील करता है। इस लिफाफे को दूसरे दस्तावेजों के साथ एक बड़े लिफाफे में रखा जाता है और मतदान पेटी में डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया ऐसे हर घर में दोहराई जाती है जहां 85 साल से अधिक आयु के पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक या 40% दिव्यांगता वाला कोई मतदाता रहता हो। ये नागरिक चल फिर सकने में असमर्थ है तो भारत निर्वाचन आयोग इसका वोट इसके पास ले आया है। कहते हैं कि वोट अनमोल चीज है, वोट की कोई कीमत नहीं होती सर। तो सर इसीलिए हम आज हमको बहुत अच्छा लगा सर। दिन खत्म होते होते ज्यादातर मतदाता अपना वोट डाल चुके हैं। कुछ अपने घर पर नहीं थे या बीमार थे। भारत निर्वाचन आयोग की टीम उन मतदाताओं के लिए फिर से लौटेगी, यह आवश्यक है। अब दिन ढल चुका है, टीम अपने होम बेस पर लौट आई है। SDM की टीम तैयार है, कैमरा चालू है और मतदान पेटी की सील तोड़कर उन्हें खोला जा रहा है। एक क्षेत्र के वोट इकट्ठा करके उन्हें बड़े लिफाफे में रखा जाता है। SDM और बूथ लेवल ऑफिसर इस बड़े लिफाफे को वोटिंग एट होम स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाते हैं, जो अभी तक ताला बंद और सील था। पुलिस की कड़ी निगरानी में स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है। बड़े लिफाफे अंदर लाए जाते हैं और उन्हें निर्धारित स्थानों पर रख दिया जाता है। टीम बाहर आ जाती है और दरवाजे को एक बार फिर सील कर दिया जाता है। कल ये प्रक्रिया फिर शुरू होगी। केवल राजस्थान के अलवर जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के हर जिले में सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता अपना मतदान कर पाए। मतदान ये एक अधिकार है, एक दायित्व है, एक विशेषाधिकार है। तो आइए गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस।